वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। सो गाइस, फाइनली वॉचओएस 11 का जो आरसी का अपडेट है यानी रिलीज कैंडिडेट, वो अब रिलीज हो चुका है। एंड इस अपडेट को मैं अपना एप्पल वॉच सीरीज 9 पे इंस्टॉल भी कर लिया है। सो चलिए देखते हैं कि एप्पल वॉचओएस 11 आरसी में आपको क्या नए फीचर्स चेंजेस देखने मिलते हैं, साथ में इसमें परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ भी टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द न्यू फीचर्स, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने एप्पल वॉच में यहाँ पर जो ये आरसी का अपडेट है वॉचओएस 11 का, ये अगर आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको जो ऑफिशियल अपडेट होगा वॉचओएस 11 का, वो आपके लिए रिलीज नहीं होगा, क्योंकि आरसी का जो अपडेट है वो क्लोज टू ऑलमोस्ट सेम है आपका स्टेबल वर्जन का। इसलिए एक बार अगर आप अपने एप्पल वॉच में आरसी का इंस्टॉल कर लेते हो वॉचओएस 11 का, तो आपको यहां पर जो है स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस ये जो वॉचओएस 11 का आरसी का अपडेट आया है, ये 272 MB के आसपास है, तो बहुत एक छोटा अपडेट था। नाउ कमिंग टू द बिल्ड नंबर, तो गाइस बिफोर द अपडेट यानी आपका बीटा 7 में यहां पर जो बिल्ड नंबर था, दैट वाज 22R5340A। एंड अगर आपको मैं अभी दिखाऊं, तो गाइस लेट मी गो टू द एप्पल वॉच, देन आपका अबाउट, एंड अभी आप देख सकते हो जो बिल्ड नंबर है दैट इज 22R349। एंड 349 के बगल में आप देख सकते हो कोई भी किसी भी तरीके का जो लेटर है वो नहीं है। एंड दिस शोस कि ये जो है एक स्टेबल अपडेट है, इट्स ए आरसी। एंड एज आई सेड बिफोर, आरसी और स्टेबल ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्टोरेज, तो बिफोर द अपडेट जो स्टोरेज था वो ऑलमोस्ट 50 GB के आसपास था। एंड अभी आप देख सकते हो आफ्टर द अपडेट स्टोरेज में थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, टू बी स्पेसिफिक 52.79 हो चुका है। और फाइनली बात करें नए फीचर्स और चेंजेस में, तो गाइस वॉचओएस 11 का जो आरसी का अपडेट है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस जो है वो देखने को मिले। सबसे जो नोटिफाई यहाँ पर जो चेंज है, दैट इज रिगार्डिंग टू दी वॉच फेस। आपको 3 अलग अलग जो वॉच फेस है नए, वो आपको देखने मिलते हैं। इसके पहले बीटा में एज यू ऑल नो फोटोज का वॉच फेस आया था, जो कि आपको इस टाइप का देखने मिलता था, जहां पर आप अपने फोटोज को सेट कर पाते थे अपने मनपसंद, और यहाँ पर साइड में जो है आप यहाँ पर जो जिसका टाइम है, डेट है, और यहाँ पर कस्टमाइज वगैरह कर पाते थे। लेकिन इस बार जो है आरसी में 2 और नए वॉच फेस का जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया है। सबसे पहले दिस इज द रिफ्लेक्शन। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना एप्पल वॉच का जो एप्लीकेशन उसमें दिखाऊं, तो लेट मी गो टू वॉच फेस। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले रिफ्लेक्शन है, उसके बगल में फोटोज, और एक है फ्लक्स। रिफ्लेक्शन और जो फ्लक्स है, ये 2 यहाँ पर नए वॉच फेस है जो कि आपको आरसी के साथ देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्शन में अगर आप जाओगे तो बहुत तरीके का आपके यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है वो आप कर पाओगे, जैसे कि बहुत तरीके के यहाँ पर कलर है आप सेट कर सकते, जो भी आपका पसंद है आप सेट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लगा सकते, और यहाँ पर जो डायल है उसको कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली एक राउंडेड टाइप का है और एक कॉर्नर है। कॉर्नर जो है ये बहुत मुझे सही लगा है, और ये सेम आपका जो वॉच फेस है, ये जो आपका अपकमिंग जो अपना एप्पल वॉच सीरीज 10 है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आरसी में भी यही सेम वॉच फेस आपको दिया गया है। दूसरा यहाँ पर जो है दैट इज फ्लेक्स। फ्लेक्स मुझे ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि इसमें जो नंबर है, यहाँ पर जो टाइम है, बहुत ज़्यादा विजिबल है। इसको भी एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना है वॉच फेस में, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर फ्लेक्स का जो ऑप्शन है वो देखने मिल जाता है। सिंपली इसमें आपको टैप करना है, आप फोन से भी कर सकते हो कंट्रोल, एट द सेम टाइम इसमें भी अगर आप चाहते हो तो टैप एंड होल्ड करना है, प्लस पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो न्यू वॉच फेस के कैटेगरी में आपको 3 नए वॉच फेस दिया गया है, इसमें टैप करना है, फ्लेक्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, या फिर एज ए सेट कि आप अपने यहाँ पर फोन से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। So, ये 3 जो यहाँ पर वॉच फेस है वो आपको नए देखने मिलता है विद दी आरसी। इसके अलावा और एक चीज़ आपको देखने मिलता है, सपोज इफ आई गो टू दी यहाँ पर कैलिफोर्निया, सपोज इसको मुझे सेट करना है, तो अभी क्या है कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर आपका वॉच फेस है जिसमें आपका जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें टाइम जो है सेट कर सकते हो। जैसे कि कैलिफोर्निया फॉर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया में जाओगे तो उसके नीचे आओगे तो मल्टीपल यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नेटिव लैंग्वेज है बंगाली, तो मैं अगर बंगाली यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, अगर किसी का चाइनीज हो गया या किसी का गुजराती हो गया, तो गुजराती सपोज किसी का है तो वो यहाँ से ऐड कर लेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका जो गुजराती लैंग्वेज में या फिर जो नंबर है गुजराती में वो यहाँ पर आ जाता है। एंड उसी तरीके का कुछ और भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जो बंगाली है उसको मैं थोड़ा सा एक बार सेट करके दिखा देता हूँ, लेट मी जस्ट एड इट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बंगाली का जो फॉन्ट है वो आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर जो फीचर से आपको यहाँ पर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट। इसके अलावा और एक यहाँ पर बहुत ही वाइटल यहाँ पर जो फीचर से वॉचओएस 11 के साथ आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज यहाँ पर टाइडल। सपोज आप ऐसी जगह रहते हो या फिर ओशन में बहुत ज़्यादा आप डाइव वगैरह देते हो,
उस केस में आप यहाँ पर टाइडल का जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इसके लिए लेट मी गो टू दी मेनू। सो ऑल मेनू पे जाता हूँ, नीचे आओगे तो यहाँ पर ये जो टाइट का जो एप्लीकेशन है ये आपको देखने मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें सिंपली अगर टैप करोगे तो इसमें जो है बहुत सारे बीचेस ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कोई बीच है या फिर जिस बीच में आप जाना चाहते हो उसको भी सेट कर पाओगे। सिंपली आपको प्लस पर टैप करना, उसके बाद यहाँ पर सेव कर पाओगे बीच का नाम। फॉर एग्जाम्पल जो पहले से दिया उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। सब मरवरिक बीच, इसमें आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बीच में कब हाई टाइड है कब लो टाइड है, वो कब आएगा, एट द सेम टाइम उस टाइड का हाइट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि लिखा यहाँ पर लिखा गया है हाई टाइड, उसके नीचे आप देख सकते हो टाइडल फॉल, देन आपका सनसेट, टाइडल फॉलिंग, देन लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, कुछ इस तरीके से टाइड का जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर बीच का वो अभी आप यहाँ पर जान सकते हो विद योर एप्पल वॉच OS 11 RC इन योर Apple Watch। इसके साथ यहाँ पर इसके पहले जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन थे, फॉर एग्जांपल वाइटल जो एप्लीकेशन था उसको भी अभी थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो एप्पल वॉच पहन के सोते हो, उसको स्लिप वगैरह पैटर्न वगैरह रजिस्ट्रेशन या फिर जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसको रजिस्टर करेगा वाइटल ऐप, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वाइटल ऐप बहुत अच्छे से काम भी करता है। नेक्स्ट यहाँ पर और जो इंप्रूवमेंट है दैट इज रिगार्डिंग टू ट्रांसलेशन ऐप। ट्रांसलेशन ऐप ये जो आपका एप्लीकेशन है बोथ वाइटल एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों ही एप्लीकेशन जो बीटा अपडेट में दिया गया था, लेकिन ट्रांसलेशन का जो अभी ऐप है और भी ज्यादा फाइन यहां पर काम कर रहा है। सो ये कुछ चेंज जो है आपको वाइटल ट्रांसलेशन और आपको नए जो एप्लीकेशन टाइड ऐप उसमें आपको दिया गया है। नेक्स्ट टॉकिंग यहाँ पर द फीचर्स, तो गाइस आपके यहाँ पर स्मार्ट स्टैक जो है वो भी और ज़्यादा यहाँ पर स्मार्ट हो चुका है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर होम स्क्रीन में हो, सिंपली ऐसे स्वाइप करोगे तो आपको जो यहाँ पर स्मार्ट स्टैक है वो आ जाता है। एंड स्मार्ट स्टैक जो है बाय डिफॉल्ट आपके सजेशन के हिसाब से आता है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इसका लेआउट है वो देखने मिलता है। स्मार्ट स्टैक आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं चूज़ करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके यूजेज के पैटर्न से भी स्मार्ट स्टैक यहाँ पर जो इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, तो गाइस इसमें और एक वाइटल फीचर आपको दिया गया है जिसको कहते हैं स्लिप एपनिया नोटिफिकेशन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि रात के सोते समय ठीक से ब्रीदिंग नहीं हो पाता है, एंड उन इन दैट केस अगर वो व्यक्ति यहां पर एप्पल वॉच को पहने हुआ है तो उसके केस में नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो यहां पर रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका जो ब्रीदिंग है उसमें ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, तो इस टाइप का नोटिफिकेशन भी आ जाता है जिसको कहते हैं स्लिप एपनिया नोटिफिकेशन। इसके साथ यहां पर जो है आपको और भी फीचर्स जो है दिया गया इन टर्म्स ऑफ आपका फिटनेस, जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। तो सपोज इतनी गोती फिटनेस, यहाँ पर रिंग्स, तो फिटनेस रिंग्स में भी आपको कुछ चेंज है। जैसे कि अभी जो है आप कस्टम यहाँ पर जो आपका गोल है, जो आपका सपोज लेट मी गो टू द रिंग, एंड इसमें आप देख पाओगे जो आपका नीचे अगर आप जाओगे तो आपके यहाँ पर पॉज रिंग और चेंज गोल का भी ऑप्शन दिया गया है। यानी पर डे के हिसाब से या फिर पर वीक के हिसाब से आप कितना कैलोरीज बर्न करना चाहते हो वो भी आप सेट कर पाओगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो पॉज रिंग का भी ऑप्शन है, ऑल दो ये सारे जो चेंज है यहाँ पर पॉज रिंग या फिर आपका जो कस्टम है चेंज गोल, ये सारे आपको बीटा में भी देखने मिले थे। इसमें आपको वही चीज और भी थोड़ा सा पॉलिश करके दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द RC अपडेट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, तो लुक गाइस इस अपडेट को मैं बीते अभी कितना हुआ है, शायद यहाँ पर 12-13 घंटा हो गया है इस अपडेट को मैं यूज कर पा रहा हूँ। एंड इस अपडेट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस बहुत ही सही हो गया है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन ओपनिंग है, एप्लीकेशन क्लोज है, बहुत ही सही से होता है। एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितने सारे एप्लीकेशन मैं रन कर रहा हूँ, एंड देन ऑल्सो कोई भी कभी भी यहाँ पर जटनने से लैगिनेस फील नहीं हुआ है। एंड इसके पहले भी जब बीटा अपडेट भी चल रहा था, बीटा 1, 2, 3, 4, उसमें भी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है बहुत ही सही था, एंड अभी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो चुका है। एंड लास्टली इफ आई टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ, तो सबसे पहले बैटरी स्टैटिस्टिक आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सो लेट मी गो टू द बैटरी, सो दिस इज द बैटरी, तो सबसे बैटरी हेल्थ आपको दिखाना चाहूंगा। सो लेट मी गो टू बैटरी हेल्थ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ में आपको अभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है। सो आई एम रियली हैप्पी कि इवन विद मल्टीपल बीटा अपडेट जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर 100% है। एंड स्पीकिंग ऑफ द बैटरी लाइफ, तो लुक गाइस यहाँ पर बीटा अपडेट में मैं अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो आपको जब पता होगा कि बीटा अपडेट में ही मैं बताया था कि जो एप्पल वॉच का जो बैटरी है वो बहुत ही सही हो चुका है आफ्टर रिसीविंग दी बीटा अपडेट ऑफ एप्पल वॉच OS 11। एंड सेम गोज विद दी RC अपडेट ऑल्सो, RC को भी जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब से जो बैटरी लाइफ है ये मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। एंड आई बिलीव कि अगर आप RC इंस्टॉल नहीं भी करते तो भी आपको ऑफिशियल जो अपडेट होगा वॉच OS 11 का उसमें बैटरी जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर मिलने वाले। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट दी अपडेट रिगार्डिंग टू दी वॉच OS 11 RC जो कि मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया हूँ इन माई एप्पल वॉच सीरीज 9।
होपफुली आपको ये जो वीडियो आपको पसंद आए। एंड इसके साथ यहाँ पर जो iOS 18 RC का अपडेट आया वो भी मैंने इंस्टॉल किया अपना iPhone 15 प्लस में। सो गाइस डू वॉच दैट वीडियो। एंड एट द सेम टाइम कल यहाँ पर जो एप्पल वॉच जो 10 सीरीज 10 वो भी लॉन्च हुआ है, उसके रिगार्डिंग वीडियोज आएगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एट द सेम टाइम लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। सो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।